स्टूडेंट, आज मैं पढ़ाऊंगी धीरे धीरे रे मना। ये केवल पढ़ने के लिए है, इसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। एक बाग में बड़े बड़े आम लगे थे। वहाँ बंदर वहाँ आते, हुड़दंग मचाते और आम तोड़कर खाते। बाग का माली गुलेल से उन्हें मारता। बंदर घायल होकर चीखते, चिल्लाते और भाग जाते। बंदरों के सरदार को यह सब अच्छा न लगता। एक दिन उसने सब बंदरों को बुलाकर कहा, हम ऊंचे कुल के बंदर हैं, इन तुच्छ आमों के लिए हमें रोज मार खानी पड़ती है, बस अब सहन नहीं होता। अच्छी बात यह है कि हम अपने वृक्ष लगाएं, उन पर आम लगे तो सुख से खाएं, फिर हम पर कोई पत्थर मारने वाला नहीं होगा, न ही कोई रोकने वाला होगा। सभी बंदर इस बात पर राजी हो गए। सबने मिलकर आमों की गुठलियां भूमि में दबा दी, उन्हें पानी दिया और घेर कर बैठ गए। एक दिन बैठे रहे, दो दिन, परंतु थे तो बंदर ही। तीसरे दिन उन्होंने भूमि को खोदकर देखना आरंभ कर दिया कि गुठलियों में आम लगे हैं या नहीं। परंतु क्या तीन दिन में गुठली पौधे में बदल जाती है और क्या पेड़ बने पौधे फल देने लगते हैं? इसलिए कहा गया है कि धैर्य से काम लो, परिश्रम करते जाओ, प्रयत्न करते जाओ, सफलता अवश्य मिलेगी। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। इसका अर्थ है, मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। अगर माली किसी पेड़ को सौ घड़े पानी से सींचने लगे तब भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा। अर्थात हर चीज का एक समय होता है।